कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, अपना घर संभालिए। ये बयान सुना आपने, ये बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। बयान नहीं, आप नसीहत भी कह सकते हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नसीहत दी है और इस बयान से भारत के लोग ही उनके फैन नहीं हुए बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी उनकी मुरीद हो गई। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हाँ, पाकिस्तान की सरकार को अपने हालात पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मित्र देशों से मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं। पड़ोसी देश पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की जनता अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रही है। ऐसे में लोग सरकार पर भड़के हुए, साथ ही सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि भारत से तुलना करना बेकार है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर एक पाकिस्तानी सेल्समैन कहता है, दुर्भाग्य से हमें इतिहास के बारे में गलत बताया गया है। आज तक हम भारत से कोई जंग नहीं जीते हैं। भारत के रक्षा मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मौजूदा समय में पाकिस्तान को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, देश की बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। शख्स आगे कहता है, देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने की जरूरत है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में सही जानकारी देने की जरूरत है। इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी मसले हैं जो कि बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, वीडियो में शख्स कहता है कि आज पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में बेहद खराब है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम पाकिस्तान की बेहतर छवि को क्यों नहीं बना पाए? भारत के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में ही मिला लो। पहले आप बयान सुन लीजिए, फिर आगे खबर दिखाते हैं। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो, ये कोई छोटी बात नहीं है। राजनाथ सिंह ने जो कहा वो पाकिस्तान में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वहां की जनता अपनी सरकार से परेशान है, पाकिस्तान के हालात से परेशान है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर सेल्समैन ने ही कहा, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, अगर वहां पाकिस्तान की एक दो चीजें भी हिट हो जाती हैं तो पाकिस्तान के हालात सुधर जाएंगे, आधी बेरोजगारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। अब आप वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें वहां की जनता आजादी की मांग कर रही है। फिलहाल अब आपने पूरी खबर देख ली, तो अब राजनाथ सिंह की नसीहत और पाकिस्तान की जनता के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।